हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि आधार कार्ड वर्चुअल आईडी क्या है और इसे क्यों लाया जा रहा है? अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ। दोस्तों, पिछले कुछ समय से आधार कार्ड को सभी बैंक अकाउंट्स, पैन कार्ड, फ़ोन नंबर्स, स्कूल, कॉलेज और बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस और प्राइवेट कंपनी से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि सरकार आधार को प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन कार्ड बनाने जा रही है, जिससे हमारे सभी डेटा जुड़े हुए रहेंगे और सिर्फ आधार कार्ड से हमारा पूरा डाटा का पता लगाया जा सकेगा। पर पिछले कुछ समय से आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन का मिसयूज होने लगा और इसके बहुत सारी मिसयूज होने की खबर सामने आ रही है, इसलिए आधार कार्ड की सेफ्टी को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। इसलिए सरकार ने आधार कार्ड को और अधिक सिक्योरिटी बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए वर्चुअल आईडी को लेकर आई है। दोस्तों, वर्चुअल आईडी है क्या, चलिए इस पर हम बात करते हैं। वर्चुअल आईडी हमारे आधार कार्ड का एक क्लोन है, एक कॉपी है, जिसमें यूजर की पहचान के लिए एक 16 डिजिट का नंबर होगा जो कि एक सीमित समय के लिए काम करेगा, और इसके बाद इसे हम जब दोबारा क्रिएट करेंगे तो पुराना वाला जो वर्चुअल आईडी है वो ऑटोमेटिक वो एक्सपायर हो जाएगा और जो नया वाला है वो काम करना शुरू करेगा। आने वाले समय में केवाईसी के लिए यूजर वर्चुअल आईडी को आधार कार्ड की जगह इस्तेमाल आप कर सकेंगे, यानी आपको अपने आधार कार्ड की जगह आपको वर्चुअल आईडी का जो नंबर है वो देना पड़ेगा, जिसमें संबंधित ऑर्गेनाइजेशन के साथ यूजर की सिर्फ कुछ बेसिक डिटेल्स जैसे आपका नाम, पता, फोटो ही शेयर किए जाएंगे। अब दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि आप वर्चुअल आईडी को सरकार ने क्यों लाया। दोस्तों, सवाल उठता है कि वर्चुअल आईडी की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसे क्यों लाया जा रहा है? इसका मुख्य कारण आधार होल्डर्स की इन्फॉर्मेशन को लीक होने से बचाना है, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से ऐसे केस सामने आ रहे हैं जहां यूजर्स की आधार कार्ड डिटेल को चुराया जा रहा है और उसका मिसयूज भी किया जा रहा है, जिसके कारण इसकी सिक्योरिटी को लेकर कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं। इसलिए UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ने अपने यूजर्स के डाटा को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए वर्चुअल आईडी को लाया है। इसके आने के बाद KYC के लिए यूजर को अपने आधार कार्ड की डिटेल शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जगह वो अपने वर्चुअल आईडी को प्रयोग कर पाएंगे, जिसमें सिर्फ यूजर की बेसिक डिटेल जैसे कि नाम, पता, फोटो और वो यानी बहुत कम जानकारी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को वो शेयर कर पाएंगे। दोस्तों, इसके फायदे क्या हैं, चलिए हम देखते हैं। अब वर्चुअल आईडी के आने के बाद आधार यूजर के डेटा के लीक होने की संभावना बहुत कम रह गई है और उनका डेटा पहले के मुकाबले और अधिक सेफ हो गया है, क्योंकि इसके आने के बाद यूजर को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के साथ अपने आधार नंबर को नहीं देना पड़ रहा है, उसे शेयर नहीं करना पड़ रहा है। इसके स्थान पर वो जो वर्चुअल आईडी उसने जनरेट किया है वो देने से उसका काम हो जा रहा है, इसलिए उनका डेटा पहले से ज़्यादा सेफ है। ये वर्चुअल आईडी का फायदा है। दोस्तों, वर्चुअल आईडी जो है ये कब से लागू हुआ और ये कब से मैंडेटरी किया गया, कब से कंपलसरी किया गया? दोस्तों, UIDAI ने 1 मार्च 2018 से इसे शुरू किया है और 1 जुलाई से इसे हर ऑर्गेनाइजेशन हिदायत दी है कि इसे आप कंपलसरी कीजिए और 1 जुलाई से आपको आधार नंबर की जगह में वर्चुअल आईडी लेना पड़ेगा। दोस्तों, इसे हम कैसे बनाते हैं आप, इसको मैंने अपने आगे वीडियो में बताया है, तो हमारी वीडियो को पूरा देखिए और आप खुद अपने से जनरेट कीजिए, अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप पे कहीं भी इसे आप जनरेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे अगर आपके पास मोबाइल में एम आधार ऐप है तो आप वहाँ से खुद जनरेट कर सकते हैं, और नहीं है तो आप किसी भी लैपटॉप से, कंप्यूटर से, सिस्टम से इसे जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम कैसे वर्चुअल आईडी कार्ड जनरेट करते हैं आधार का। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन को दबाइए नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है जीशान, स्वागत करता हूँ आपका डिजिटल क्लास चैनल में। दोस्तों, आपको जो ब्राउज़र है लैपटॉप में या सिस्टम में खोल लीजिएगा और उसके बाद आपको टाइप करना है आधार जैसे टाइप कीजिएगा ये देख रहे हैं सबसे जो पहला लिंक है वेबसाइट का ये ऑटोमेटिक आपको सबसे ऊपर में आ जाएगा www.uidia.gov.in और इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट लिंक को ओपन कर सकते हैं। चलिए इसको हम खोलते हैं।
आप अपना आधार का वर्चुअल आईडी कैसे जनरेट कर सकते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह से जो दोस्तों आधार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये खुल जाएगा और आपको ये देख रहे हैं ये आधार का ऑफिशियल वेबसाइट है UIDAI का। उसके बाद आपको थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है देख रहे हैं बहुत सारा। और आपको यहाँ देख रहे हैं सबसे लास्ट में ये देख रहे हैं आप ये वर्चुअल आईडी जनरेटर, यहाँ से आप अपने वर्चुअल आईडी को जनरेट कर सकते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं हम स्टेप बाय स्टेप। चलिए हम यहाँ पे आप क्लिक करते हैं। ये हमारा पेज खुल गया तो आपको इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है आधार नंबर होल्डर्स कैन जनरेट देयर 16 डिजिट वर्चुअल आईडी। आप जो कि आधार होल्डर्स है वो अपना 16 अंक का वर्चुअल आईडी जनरेट कर सकते हैं। चलिए हम करते हैं। आधार नंबर यहाँ मांग रहा है आपका, जो आधार नंबर है वो अपना डाल दीजिए। चलिए मैंने अपना आधार नंबर डाल दिया और यहाँ जो बोल रहा है सिक्योरिटी कोड डालना है जो यहाँ पर दिखा रहा है आपको। और दोस्तों आपको एक बात बता दूँ कि आधार नंबर में जो आपका आधार कार्ड है उसमें फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड होना बहुत ही ज़रूरी है, अगर नहीं होगा तो आप इस प्रोसेस को पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको मोबाइल पे जो रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP आएगा उसके बाद आप इसे जनरेट कर पाएंगे। चलिए हम करते हैं आप सेंड OTP। अब देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर देखिए OTP सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चेक योर मोबाइल, आपके मोबाइल पर भेज दिया गया है। चलिए हम चेक करते हैं अपने मोबाइल को। यहाँ दोस्तों मेरा OTP आ चुका है। चलिए हम OTP डालते हैं। ये जो देख रहे हैं राइट साइड में यहाँ OTP डालना है। मेरा OTP है 628033। दोस्तों यहाँ पर दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए दिखा रहा है जेनरेट या रिट्राइव VID। यहाँ दो ऑप्शन है जेनरेट VID और रिट्राइव VID, ये दोनों ऑप्शन में बता रहा हूँ क्यों है। ये दोस्तों जो पहली बार बनाएंगे आप इसको करना है, उसके बाद जब दूसरी बार बनाएंगे आप तो आपको हर बार ये करना है रिट्राइव VID। मैं पहली बार बना रहा हूँ मुझे ये करना है। चलिए हम ये करते हैं और सबमिट पर क्लिक करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस योर VID नंबर सक्सेसफुली जनरेटेड एंड सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल। यहाँ पर मेरा VID शो नहीं होगा क्योंकि इसने मेरे मोबाइल पर वर्चुअल आईडी को सेंड कर दिया है। चलिए हम चेक करते हैं अपने को। हाँ दोस्तों मेरा तो आ चुका है वर्चुअल आईडी। तो आप भी इसी तरह से आसानी से जनरेट कर सकते हैं आधार कार्ड की जगह पर अपने वर्चुअल आईडी को, और कहीं भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी बैंक या आपके इंश्योरेंस ऑफिस कोई भी अगर कहीं मांगे आपको नंबर तो उसे नहीं देना है और आपको सिर्फ जो आपका वर्चुअल आईडी है उसे यूज़ करना है दोस्तों। और अगर आपको कभी भी एक्सपायर कर जाए तो आप इसी तरह से दोबारा जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों हमारे वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक बटन को जरूर दबा दीजिएगा और दोस्तों को इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी आसानी से इसे जनरेट कर सके और अच्छा से यूज कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।